फ्रेंड्स, आसान प्लस स्कूल ईआरपी के इस सेक्शन में हम देखेंगे डाटा इंपोर्ट। एडमिशन सेक्शन में जब आप जाते हैं तो यहाँ देखिए, अभी हमने एक भी एडमिशन नहीं किया। कई बार विद्यालयों के पास उनका प्रीवियस डाटा होता है, जिसे अगर उन्होंने एक्सेल में डाल के रखा हुआ है तो हम कैसे इंपोर्ट करते हैं वो डाटा, हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, हमारे पास पहले ही सेक्शन में डाटा इंपोर्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, करीबन स्कूल के पास देखिए 354 का डाटा है। हम एक छोटा अमाउंट आपको इंपोर्ट करके दिखाएंगे ताकि आपको लगे कि कितने भी अमाउंट का हम डाटा यहाँ पर कैसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो हम समझेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, आप इंपोर्ट के बटन पर क्लिक कीजिए। एक्सेल डाटा इंपोर्ट यूटिलिटी आएगा, स्क्रीन आएगा, यहाँ पर वो एक्सेल की फाइल पूछ रहा है हमसे सॉफ्टवेयर, तो हमने रखा हुआ है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। ये देखिए, ये रहा स्कूल का डाटाबेस, हमने इसे ओपन करा। ओपन करने के बाद में यहाँ पर सॉफ्टवेयर हमसे पूछता है कि कितने स्टूडेंट्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं। कितने स्टूडेंट्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं मतलब, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 354 स्टूडेंट्स हैं, तो चलिए मैं काम करता हूँ, इसमें से सिर्फ 100 को इंपोर्ट करूँगा मान लीजिए। तो यहाँ पर हम एंट्री डालते हैं 100, नंबर ऑफ एंट्रीज 100। इंपोर्ट डाटा पे मैं क्लिक करता हूँ, यस पे क्लिक करता हूँ और एक्सेल से ये डेटा आपके डेटाबेस में आ जाएगा। आप सॉफ्टवेयर आपका काम करने लगेगा। 31, 35 ऑफ 100 ज़्यादा समय नहीं लगता है, जितना डाटा आपको इंपोर्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं, एक साथ करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। समय लग रहा है, 100 ऑफ 100 रिकॉर्ड्स सक्सेसफुली इंपोर्टेड। ओके, इसे हम बंद करते हैं, सॉफ्टवेयर को एक बार हम बंद करते हैं, स्केप करके वापस मैं एडमिशन पे जब क्लिक करता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स का डाटा आपके सामने है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक स्क्रीन में सिर्फ 19 स्कूल के बच्चों का डाटा दिखाया जा रहा है। अगर हमें एक साथ सारा देखना है, इनेबल फास्ट सर्च पे मैं क्लिक करता हूँ, हटा देता हूँ। ये देखिए जी, 150 बच्चों के डिटेल्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम डेटा इंपोर्ट